अगले बिंदु पे हम आते हैं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन उद्देश्यों को लागू करके सुनिश्चित करना कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए उसके लिए भारत में कैसे कैसे प्रयास किए गए कौन कौन सी संस्थाएं आईं कैसे ये कोशिश की गई कि ये जो उद्देश्य हमने बताया नौ देश इनको पाया जाए उन संस्थानों की ओर हम थोड़ा मुखातर होते हैं जिसमें पहला है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग नियोजित अर्थव्यवस्था को भारत में दिशा देने उसे लागू करने दूसरे मायने में लक्ष्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संस्थाएं थीं उनमें सबसे अहम संस्था थी योजना आयोग योजना आयोग एक ऐसी संस्था जिसके संबंध में भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है याद रखेंगे लेकिन भारत के आर्थिक विकास की दिशा में सबसे ताकतवर संस्था देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का ये मूल आधार थी और इसलिए एक तरीके से ये संवैधानिक संस्थाओं से भी ज़्यादा ताकतवर संवैधानिक संस्थाओं को भी प्रभावित करने वाली संस्था बनी ये बहुत अहम बिंदु गैर संवैधानिक संस्था क्योंकि इसका संविधान में कोई लेख नहीं इसी यही कारण है कि आज देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर इस संस्था का काफ़ी प्रभाव काफ़ी नियंत्रण दिखाई दिया स्वतंत्रता के बाद देश का जो सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है उस विकास के लिए इस योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने अपने 15 मार्च 1950 के आदेश के तहत की 15 मार्च 1950 वो योजना आयोग की स्थापना होती है और संवैधानिक नहीं होने के कारण अलग से इसके लिए आदेश निकालते हैं योजना आयोग का गठन कैसे हुआ उसमें कौन कौन लोग रहते हैं कौन कौन लोग रहे इसमें एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष एक सचिव और कुछ अन्य सदस्य सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं रहती लेकिन शुरू में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे और कुल छः सदस्य होते थे धीरे धीरे इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और 1989 में श्री वीपी सिंह जब इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री के नाते तो नौ पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति फुल टाइम मेंबर नाइन ये 1989 की बात है जबकि शुरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र मंत्री हुआ करते थे योजना आयोग के सदस्य के नाते और उसके अध्यक्ष होते थे एकमात्र मंत्री वो भी प्रधानमंत्री तो समय के साथ साथ इसमें बदलाव आया था और सामान्यतः जो आ, इसमें जो नामित सदस्य थे सरकार की ओर थे वो ऐसे विभागों के लोग थे जिनका राष्ट्रीय हित से ताल्लुकात है जिसमें वित्त मंत्री गृह मंत्री रक्षा मंत्री कृषि मंत्री योजना मंत्री सामान्य संसाधन आदि आदि विभाग के और फिर बाकी लोग अर्थशास्त्री होंगे विशेषज्ञ होंगे और जिन्हों ऐसे लोगों के नाम जो आर्थिक योजनाओं में जिन्होंने भरपूर योगदान दिया हो देश की योजनाओं में उन्हें योजना आयोग के साथ जोड़ लिया जाता है तो इस प्रकार अध्यक्ष हुए एक उपाध्यक्ष हुए एक सचिव हुआ और कुछ सदस्य हुए योजना आयोग का जो सचिव होता है वो इन्हीं सदस्यों के बीच से एक होता है लेकिन निश्चित रूप से तो मंत्री वगैरह नहीं आधिकारिक स्तर पर किसी व्यक्ति को सचिव बनाया गया आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल द्वारा किसी मंत्री या व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी जो वहां पर स्थायी रूप से रहता था प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष हुए लेकिन वो पूरे समय वहां रह नहीं सकते योजना आयोग के कार्यालय में और पूरे समय योजनाएँ कि गतिविधियों को संचालित करने का समय तो उनके पास होगा नहीं इसलिए उपाध्यक्ष के रूप में एक अन्य सदस्य या एक मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य हो उसे वहाँ बैठा दिया जाता था उसकी नियुक्ति जाती थी बशर्ते वह व्यक्ति ख्यातिनामा अर्थशास्त्री हो योजनाओं से जुड़ा हुआ हो उसमें विशेषज्ञ हो या अर्थव्यवस्था के बारे में उसे महारत हासिल हो संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था मैंने कहा ना या तो मंत्रिमंडल का भी सदस्य हो सकता है या बाहर का भी जिसे उपाध्यक्ष बनाकर स्थायी रूप से वहाँ रहना होता है उसे कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा दिया जाता है कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा और अन्य को राज्य मंत्री का दर्जा आयोग के सभी सदस्य एक बॉडी के रूप में काम करते हैं निकाय के रूप में और प्रत्येक सदस्य को एक या उससे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ योजना से संबंधित जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं और उपाध्यक्ष सभी विभागों में समन्वय कोऑर्डिनेशन का, का काम किया साथ ही योजनाएं सरकार को देना और उनसे स्वीकृत कराना तो उपाध्यक्ष के कामों की यदि बात करें तो कोऑर्डिनेशन और योजना आयोग और सरकार के बीच में एक लिंक का काम करना ये दो कार्य होगा योजना आयोग जो है उसके या योजना आयोग जो थी उसके मुख्य रूप से तीन भाग थे पहला कार्यक्रम परामर्शदाता संभाग दूसरा सचिवालय संभाग और तीसरा तकनीकी संभाग ये उसके तीन अंग हुआ करते थे परामर्शदाता में चार वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जो उसका अवलोकन करते थे परिपालन की प्रगति को देखते थे आदि आदि और साथ ही आयोग को मदद देते थे इन परामर्शदाताओं में वित्तीय समस्याएं लोक सहयोग और योजनाओं के परिपालन संबंधी बातों पर खास ध्यान दिया जाता था अब जो सचिवालय है सचिवालय में छोटे बड़े सभी तबके के पदाधिकारी रहेंगे लिपिक भी होगा अन्य कर्मचारी भी होंगे प्यूंस भी होंगे और ये सचिवालय जो था वो एक तरीके से एक कार्यालय था इन लोगों का मुख्य कार्यालय उसकी सचिवालय की चार शाखाएं होती थी पहला प्रशासकीय जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच कह लें दूसरा योजना समन्वय शाखा प्लानिंग कोऑर्डिनेशन तीसरा एक सामान्य प्रमोशन सामान्य कोऑर्डिनेशन, जनरल कोऑर्डिनेशन और चौथा प्रकाशन पब्लिसिटी तो इस प्रकार की तीन ब्रांचेज होती थी तकनीकी जो विभाग था जो तीसरा तीसरा अंग माना जाए योजना का तो उसका जो तकनीकी भाग था इसके 20-25 उपभाग थे बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम था इसका क्योंकि ये तो तकनीकी विभाग का काम था ये जानना समझना कि कौन से प्राकृतिक संसाधन के कहाँ कितने हैं उसका क्या दोहन है उनके आंकड़ों को रखना आंकड़ों का समुचित उपयोग करना समुच और उचित उसकी एनालिसिस करना आदि आदि इसमें सिंचाई शक्ति कृषि भोजन शिक्षा आवास इस प्रकार के अलग अलग 25-30 खंड होते थे तो ये हो गया योजना आयोग के तीन अंग और उन अंगों के उप अंगों का थोड़ा विवरण अब इसके कार्यों की ओर यदि हम झाँकें तो कार्य तो बहुत थे एक बहुत मैंने बताया ये गैर संवैधानिक संस्था थी लेकिन फिर भी अत्याधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्था जो देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी तो पहला इसका हम कहेंगे इसका जो आ, सबसे पहला कार्य जो था भौतिक पूंजीगत मानवीय तकनीकी कर्मचारी संबंधी अनुमान लगाना एस्टिमेट देश की आवश्यकता की तुलना में कम दिखने वाले संसाधन जो हैं उसमें वृद्धि का प्रयास करना वृद्धि के बारे में अंदाज लगाना दूसरा प्रभावशाली और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना यह इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य था योजनाएं बनाने का काम और योजनाओं को प्रतिवेदन या रिपोर्ट के रूप में सरकार के सामने रखना तीसरा जो इसका काम था जो कार्यक्रम सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिए गए जो योजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उनकी प्राथमिकताएं निश्चित करना कल्पना करिए सरकार ने कुल मिला के बीस योजनाएँ स्वीकार की हैं अब 20 योजनाओं के लिए योजना आयोग के पास पर्याप्त धन संसाधन नहीं हैं या यदि हैं तो भी कौन सी योजना को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाए ये सब तय करना ये इसका तीसरा काम था चौथा इसका कार्य था आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाना और देश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की सफलता के लिए वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आर्थिक विकास के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं कई तरह की आती हैं कई बार प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप बाढ़ आदि कई बार राजनीतिक घटनाएं जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें अलग अलग दलों की सरकारें और कई बार कुछ अन्य बातें आ जाती हैं जो बाधाओं का काम करते हैं इन बाधाओं से निकलना और उसके बाद ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे कि योजनाएं सफल हों योजनाएं अपने लक्ष्य तक पहुँचें पांचवा कार्य था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है जो भी इसमें शामिल है उसके स्वरूप को निश्चित करना उनके दायरे को दूसरे शब्दों में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जो मशीनरी है जो तंत्र है वो तंत्र में कौन कौन रहेंगे क्या उसका ढांचा होगा इसे तय करना अर्थात अधिकारी गण कौन कौन होंगे कर्मचारी गण कौन कौन होंगे मशीनें कौन सी होंगी कहाँ के होंगी उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी एक जगह बांध बनाना है ये तय हुआ कि एक जगह बहुत बड़ा बांध बनाना है उस बांध को बनाने में पाँच वर्ष लगेगा अब पाँच वर्ष यदि लगता है तो उसके लिए एक पूरी व्यवस्था समग्र व्यवस्था करनी होती है कि कौन कौन से अधिकारियों की वहाँ ज़रूरत होगी किस किस श्रेणी के क्या उनका ओहदा होगा क्या संख्या होगी उनके लिए निवास उनके लिए जीवन यापन के समुचित साधन संसाधन उनके परिवार के बच्चों के रहने का इंतजाम बच्चों की शिक्षा आदि आदि न जाने कितने सारे पहलू होते हैं इन पहलुओं का स्वरूप निश्चित करने का काम योजना आयोग का था छठवां जो इसका दायरा था वो था योजनाओं का मूल्यांकन करना समय समय पर एक योजना जब बनती है तो पाँच साल आठ साल दस वर्ष पंद्रह वर्ष के लिए होती वो दीर्घकालीन योजना और लघुकालीन योजना तो मुख्यतः योजना आयोग जो है वो दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि दीर्घकालीन योजना का जो अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में हम अग्रसर हैं कि नहीं सतत रूप से वह पीरियडिकली समय समय पर उसकी उसका मूल्यांकन करता है समय समय पर बैठक करके अध्ययन करता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ तो रहे कि नहीं कहीं ऐसा न हो कि अंत में पाया करोड़ों रुपए खर्च हुए और लक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुआ लक्ष्य से कोसों दूर तो ये एनालिसिस पीरियोडिक एनालिसिस योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन बहुत बड़ा उसका कार्य होता है और इसीलिए मैंने आपको बताया वैकल्पिक योजनाएँ वैकल्पिक सुझाव यदि किसी कारण से गति में बाधा आई है किसी कारण से कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उन दिक्कतों का हल करना उपायों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना और फिर नए सुझाव देकर सुनिश्चित करना कि प्रगति अबाधक हो और अंतिम जो उसका दायरा था वो था तात्कालिक आर्थिक स्थिति नीतियाँ कार्यक्रम पे विचार विमर्श हेतु आवश्यक सिफारिशें करना तात्कालिक तात्कालिक मतलब उस समय क्या स्थिति थी वहाँ की सरकार की क्या नीतियाँ थी क्षेत्रीय नीतियाँ क्या थी क्षेत्रीय समस्याएँ क्या थी इस पर सिफारिश करना और केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित करना तो इस प्रकार ये योजना आयोग के सात उसके दायरे थे योजना आयोग की भूमिका क्या थी तीसरा बिंदु योजना आयोग से संबंधित है उसकी भूमिका से योजना आयोग की भूमिका जैसे मैंने बताया गैर संवैधानिक होते हुए बहुत शक्तिशाली तो बार बार ये विवाद होता था कि यह इतनी हावी क्यों हो रही है योजना आयोग सरकारी तंत्र पर क्या इतना हावी होना इसका उचित है क्या यह गैर वाजिब नहीं है कि एक गैर संवैधानिक संस्था इतना हावी हो रही हो तो इसको लेकर विद्वानों में राजनीतिक शास्त्रियों में सतत रूप से वाद विवाद होता रहा कुछ आलोचना कुछ आलोचकों ने कहा कि ये तो मंत्रिमंडल से भी ज़्यादा शक्तिशाली संस्था हो गई है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जहाँ बैलेंस की बात की थी शक्ति संतुलन की बात की थी योजना आयोग ने तो उसके पूरे रूप को ही बदल डाला अशोक चंद्र एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री उन्होंने कहा एक योजना आयोग जो है एक तरीके समानांतर सरकार का रूप ले ली थी मंत्रिमंडल एक सरकार और योजना आयोग स्वयं में एक अलग सरकार थी और चूंकि योजना आयोग आर्थिक मामलों से जुड़ी थी पैसे के मामलों से जुड़ी थी कई बार तो ऐसा लगता था मानो योजना आयोग मंत्रिमंडल से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हो किसी ने कहा है कि एक प्रशासकीय सुधार आयोग बना था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ए आर सी उसने कहा कि योजना आयोग की जो प्रणाली है वो अच्छी नहीं है उसने आलोचना की क्रिटिसिज्म किया और उन्नीस में उसने कहा कि दुर्भाग्य से योजना आयोग जो है वो एक समानांतर कैबिनेट चला रही है सुपर कैबिनेट का काम का कर रही सुपर कैबिनेट का काम का 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 कर रही है कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि उसका ठीक उल्टा कि योजना आयोग जो है वो प्रभावहीन रही इसकी जो भी सिफारिश होती स्वीकार नहीं होती कुछ लोगों ने कहा कि योजना आयोग क्रियान्वित करने के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी तो है नहीं संवैधानिक संस्था नहीं है तो किसी के प्रति इसकी जवाबदेही है नहीं वो योजनाएं बनाती है लक्ष्य रखती है लक्ष्य यदि प्राप्त नहीं होते तो किसको पकड़ा जाए किसे दोषी माना जाए किसे सजा दी जाए आदि आदि ये इसका कोई प्रावधान नहीं है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योजना आयोग की भूमिका को लेकर बड़े अलग अलग विचार हैं एक और सुपर कैबिनेट जैसी बात दूसरी ओर प्रभावहीन बात और तीसरी ओर योजना आयोग एक ऐसी संस्था जिसके दांत ही नहीं है नो टीथ इसको एक ऐसी संस्था जिसकी कोई शक्ति ही नहीं है और किसी ने ये भी कहा कि ये तो एक ऐसी संस्था है जिस जिस जो किसी के प्रति जिम्मेदार भी नहीं योजना आयोग के बारे में आपने ये अलग अलग विचार तो सुने और इन विचारों में मतभेद भी देखा यह बात तय है कि इन विचारों की सत्यता से नकारा नहीं जा सकता एक और जहां वहीं दूसरी ओर इनकी सत्यता पर पूरी तरह सहमति भी नहीं इसमें संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं और अन्य मंत्री के सदस्य होते लेकिन और इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है परंतु तो इसका अर्थ ये नहीं कि योजना आयोग मंत्रिमंडल से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है मंत्रिमंडल से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया योजना आयोग विभिन्न योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में योगदान देता किसी भी योजना और परियोजना को बनाने के लिए वो सहमति लेता था केंद्र और राज्य के द्वारा दिए गए आंकड़ों उनके द्वारा दी गई जान जानकारियों के आधार पर ही वह योजनाएं बनाता था योजनाओं का प्रारूप बनाने के लिए भी वो केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रहता था लेकिन योजना बनाने के लिए जो आंकड़े जो जानकारियाँ उसको चाहिए होती थी उसके लिए वो निश्चित रूप से राज्य सरकार केंद्र सरकार मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों पर दबाव तो बनाता था इसके अलावा इसको क्रियान्वित करने के लिए भी आयोग को केवल वित्तीय सहायता देता है योजनाओं की वास्तविक क्रियान्वयन तो सरकारों को ही करना है सरकारों के कर्मचारी को ही करना है तो इस प्रकार से हम कह सकते कि इस तरह की आलोचना कई बार गैर जायज भी थी आलोचकों का यह भी मत है कि सभी सिफारिश स्वीकार नहीं किया जाने के कारण कई बार योजना आयोग एक प्रभावशाली तरीके से अपना दबाव बनाती थी लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है वास्तविकता तो ये है कि योजना आयोग की अधिकांश सिफारिशें मान ली जाती थी स्वीकार की जाती थी और योजना आयोग के ऊपर एक और संस्था थी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो इसका मतलब ये हुआ कि योजना आयोग सर्वोपरि नहीं थी इसके ऊपर राष्ट्रीय विकास परिषद थी और राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन थे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आदि ये राष्ट्रीय विकास परिषद का ही काम था कि वो योजना आयोग के प्रस्तावों को स्वीकार करती थी और उनके संबंध में सुझाव देती थी साथ ही ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि योजना आयोग का गठन जो है वो एक आ, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन संगठन के रूप में था विशेषज्ञ संस्था के रूप में विशेषज्ञ संस्था से ताल्लुकात ये कि इसका काम था एक विशेषज्ञ के रूप में काम करना, बस उससे आगे नहीं बाकी तो सब सिफारिशें थी सुझाव थे मानना ना मानना यह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर था तो इस प्रकार काफी हद तक हम कह सकते हैं कि योजना आयोग को लेकर की गई आलोचनाएं आ, उतनी सही नहीं है इसमें संदेह नहीं कि योजना आयोग अपने दायित्वों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है परंतु तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि योजना आयोग एक अन संस्था बन गई योजना आयोग वास्तव में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि आ, सरकार अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य इसके सदस्य नामित सदस्य हैं और मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है इसलिए योजना आयोग अनुत्तरदायी संस्था है ये कहना गलत है कुल मिला कहने का उद्देश्य ये कहने का तात्पर्य कि योजना आयोग ने अपना कार्य किया है समय पर कुछ खामियां रही हैं आलोचनाएं भी हुई हैं लेकिन इसका जो मूल लक्ष्य था नियोजित विकास उस दिशा में इसने काफी सार्थक प्रयास किया योजना आयोग के विरोध में जो तर्क दिए गए कुछ का हम जिक्र कर जिसने उसे आलोचना का पात्र बना दिया वो ये है कि योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं दी गई और योजना आयोग के द्वारा दी गई योजनाओं की सफलता के आकलन करें तो आप पाएंगे दोनों में बहुत अंतर है योजना आयोग के द्वारा दी गई योजनाएं और उन योजनाओं की सफलता का भारी अंतर इसने योजना आयोग को हंसी का पात्र बना के रखा है यद्यपि ये बात दूसरी है समझने वाली है कि इसको लागू करने का काम तो राज्य सरकारों केंद्र सरकार का है और इसीलिए शायद आयोग से आशाएं रखना उचित नहीं है ऐसा इन आलोचकों का कहना है ऊपर कही गई बातें जो योजना आयोग की आलोचना करती हैं उसमें अगली बात यह है कि ऐसा दिख रहा है कि लगातार योजना आयोग केंद्रीय सरकार पर अपना प्रभाव बढ़ाते जा रही है और इस प्रकार योजना आयोग जो है एक विशेषज्ञीकृत संस्था ना होकर के उससे कुछ ज़्यादा हो गई है अगला बिंदु अगला तथ्य जिसको लेकर आलोचक योजना आयोग की आलोचना करते वो था कि योजना आयोग समय के साथ साथ इसमें मंत्रिमंडल से अधिक शक्तिशाली बनने का एक प्रयास देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल की एक समिति का रूप योजना आयोग ले रही है योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे जिन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया था वो स्वयं में एक मंत्रिमंडल का रूप ले लिए थे ऐसा कुछ लोगों का कहना है अगला बिंदु तथ्य के साथ आलोचनात्मक बिंदु यह है कि योजना आयोग का काम तो है योजना निर्माण करना योजना का निर्माण करना बस क्रियान्वयन का काम तो सरकारों का है तो निर्माण और क्रियान्वयन ये दो अलग अलग लोगों का यदि हो जाता है तो उसमें उत्तरदायित्व का भी विभाजन हो रहा है और ये एक समस्या बन गई है उत्तरदायित्व का विभाजन होना भी एक समस्या हो गई है और अंतिम बिंदु योजना आयोग का कार्य या उसका उत्तरदायित्व तो, कुछ नहीं बनता ऐसी भी आलोचना जिसका मैंने पूर्व जिक्र किया है क्योंकि योजना आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है ये कहीं पर संविधान में स्पष्ट नहीं है यो, यो, योजना आयोग की योजनाएं कई बार ऐसा लगता है मात्र चुनावी वायदे बन गई हैं मात्र चुनावी कार्यक्रमों के दौरान जनता को निभाने के आ, मुद्दे बन गए हैं इसके अलावा चुनाव आयोग कुछ नहीं इसके अलावा योजना आयोग कुछ नहीं है तो इसको लेकर इस आलोचना को समालोचना को जो बड़े तीखे हैं कई आलोचनाएं तो बड़ी तीखी दिख रही हैं इसको लेकर कुछ सुझाव आए और उन सुझावों पर अब थोड़ा हम नज़र डालें जिसमें प्रशासनिक सुधार आयोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग की कार्यशैली को लेकर योजना आयोग के ढांचे को लेकर प्रशासनिक आयोग के कुछ सुझाव आए अब हम थोड़ा नज़र उन सुझावों की ओर दें उसमें पहला सुझाव था केंद्रीय मंत्रियों को तो योजना आयोग का सदस्य होना ही नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष नहीं होना चाहिए यह प्रशासनिक आयोग का सुझाव दूसरा सुझाव योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाए और इसमें आर्थिक विशेषज्ञों को ज्यादा से ज्यादा लिया जाए ये राजनीतिक जो सदस्य हैं मंत्रिमंडल के लोग विधानसभा लोकसभा आदि के लोग इन्हें हटा दिया जाए और उसके बदले आर्थिक विशेषज्ञों को लिया जाए क्योंकि योजना आयोग का मुख्य कार्य है विशेषज्ञीकरण विशेषज्ञ के नाते सुझाव देना तीसरा सुझाव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का था कि योजना आयोग के जो उद्देश्य हैं योजना आयोग का जो काम है उसका काम केवल उद्देश्य प्राथमिकताएं, सर्वोच्चताएं और मुख्य लक्ष्यों का निर्धारण करना बस क्या क्या योजना आयोग का कार्य क्या होना चाहिए केवल उद्देश्यों का निर्धारण दूसरा प्राथमिकताओं का निर्धारण तीसरा सर्वोच्चताओं का निर्धारण और चौथा मुख्य लक्ष्यों का निर्धारण करना बस इससे आगे योजना आयोग का दायरा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होने के कारण ही योजना आयोग एक तरीके से सुपर कैबिनेट बन चुका है एक तरीके से मंत्रिमंडल से भी ज़्यादा शक्तिशाली संस्था बन चुका है एक तरीके से गैर कानूनी संस्था बन चुका है आदि आदि और चौथा सुझाव इसका था कि योजना आयोग को जो मुख्य कार्यक्रम हैं उसकी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए योजना आयोग को मुख्य कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए पांचवा सुझाव कि जो योजनाएं हैं उसकी तैयारी और क्रियान्वयन का काम राज्य सरकारों पर दे दिया जाए ताकि राज्य सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हो जाए छठवां सुझाव तकनीकी जो समूह है इसमें जिसमें 25-26 25 से 30 उपबंध हैं उनको उनको उनसे संबंधित कार्य तकनीकी समूह से संबंधित कार्यों को योजना आयोग के क्षेत्र से ही बाहर दें यानी जो तीसरा उसका अंग है उसे हटा दिया जाए और योजना आयोग के कार्यों को केवल लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति नियोजन और उसकी प्राथमिकताएं तय करने पर ही तक ही सीमित रखा जाए सातवां सुझाव कि योजना आयोग को रिसर्च की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए अनुसंधानों की ओर ध्यान नहीं देना है ये किसी और का काम होगा विज्ञान विभाग का काम होगा अन्य विभागों का काम होगा लेकिन योजना आयोग का नहीं अनुसंधान आर्थिक अनुसंधान की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आर्थिक अनुसंधान और अंतिम सुझाव था कि योजना आयोग मात्र एक परामर्शदात्री संस्था रहे उससे ज़्यादा नहीं परिणाम क्या हुआ कि योजना आयोग पर जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के सुझाव आते हैं तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के नियोजन पर योजना आयोग का दायित्व जिसके निर्वाह के लिए योजना आयोग ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि योजना आयोग ने अपने अपने दिए हुए दायित्वों को बखूबी निभाया है परंतु इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना भी शेष है काफ़ी सुधार की भी ज़रूरत है इसीलिए योजना आयोग जो है उसको विकास का वास्तविक तंत्र बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है